नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूं। आज के अपराध की घटना शुरू करने से पहले सभी सुधी श्रोताओं को शारदीय नवरात्र के पहले दिन प्रथमा जिसे कहते हैं उसकी बहुत ढेर सारी बधाइयां। 9 दिन तक इस फेस्टिवल सीजन में नवदुर्गे नवरात्र जिसे कहते हैं, जिसमें माँ की पूजा होती है, वो फेस्टिवल आज से शुरू हुआ। बहुत से लोग पहले और लास्ट दिन व्रत रहते हैं, बहुत से लोग 9 दिन का पूरा व्रत रहते हैं, और इस बीच में वो अपने जो विधियां हैं उनका पालन करते हैं। मैं सभी के स्वस्थ होने की, सभी के चिंता मुक्त होने की और सभी को प्रसन्न और सुखी रहने की कामना करता हूँ इन पूरे 9 दिनों में, और आप सभी को आज के दिन की बधाई देता हूँ। आज का जो वाकया है वो उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले का है। एक हमारे बहुत परम मित्र हैं हाथरस के, जब मैं अलीगढ़ में पोस्टेड था तो वो उनसे हमारी पहली मुलाकात हुई थी और उसके बाद से वो बराबर संपर्क में रहे हैं। इस घटना के बारे में उन्होंने जो न्यूज़पेपर की कटिंग्स और डिटेल्स हैं उससे अवगत कराया था, वो दिनेश लवानिया जी हैं। वो D1 से इस केस को परसू कर रहे थे। वाकया कुछ यूं था कि हाथरस के थाना मुरसान पर, मुरसान के रहने वाले के गांव गिलौदपुर के रहने वाले पंजाबी सिंह और हमारे मित्र ये सामाजिक कार्यकर्ता दिनेश लवानिया जी, ये दोनों लोग 25 जुलाई 2024 को हाथरस के SP निपुण अग्रवाल के यहाँ पहुंचे। वहां पर एक प्रार्थना पत्र, मैं आपको प्रार्थना पत्र पोस्ट कर दूंगा कम्युनिटी में, आप देखिएगा। एक प्रार्थना पत्र दिया पंजाबी सिंह ने, गिलौदपुर के जो रहने वाले थे। उन्होंने प्रार्थना पत्र में लिखा कि कल मेरे 2 भाई हैं, एक का नाम है प्रदीप और दूसरे का नाम है मुकेश, इन दोनों ने मेरे साथ मारपीट की, झगड़ा किया प्रॉपर्टी को लेकर, और मुझसे ये कहा कि नहीं मानोगे तो 30 साल पहले जहां अपने बाप को पहुंचाया था वहीं पहुंचा दूंगा। प्रार्थना पत्र में उसने लिखा कि मैं इस बात को सुनकर डर गया। मैं जब रात में सोया तो मैंने अपनी याददाश्त पर जोर डाला और याददाश्त पर जोर डाल के मुझे जो हल्की हल्की याद आने लगी वो ये आने लगी कि मैं उस समय 8-9 साल का था और मेरे पिता बुद्ध सिंह उनका नाम था, वो और मेरी माँ उर्मिला देवी में इस बात को लेकर झगड़ा हुआ करता था कि घर में राजवीर सिंह क्यों आते हैं। राजवीर सिंह गांव के ही बहुत ही धनाढ्य व्यक्ति थे और उर्मिला देवी उन दिनों, उनकी हालांकि 2-3 बच्चे थे, लड़के थे, लेकिन फिर भी उन दिनों वो देखने सुनने में सुंदर थीं और राजवीर सिंह बहुत ज़्यादा घर में आया करते थे। इस बात को लेके कलह हुआ करती थी पिता बुद्ध सिंह और माँ उर्मिला देवी में, ऐसा उसने अपने प्रार्थना पत्र में लिखा है। और एक दिन जाड़ों का उसने लिखा है कि जाड़ों का दिन था और जाड़ों में एक दिन मैं हमेशा अपने पिता के पास सोता था। उस दिन मुझे मेरी माँ ने अपने भाई के साथ, उसी घर में एक दूसरा पार्ट है, घर उन्हीं का है लेकिन दूसरा पार्ट है, वहां सोने के लिए भेज दिया। वहां मुझे नींद नहीं आई क्योंकि मेरी आदत थी अपने पिता के साथ सोने की। थोड़ी देर बाद जब मैं वहां से लौटा तो हमारे अपने ही घेर, घेर का मतलब होता है कि जो पशुओं के बांधने का स्थान घर के पीछे की तरफ चारों तरफ से घेर के बनाया जाता है उसे घेर कहते हैं, कब मुझे मेरे घेर में वहां दोनों भाई राजवीर और मेरी माँ दिखाई दी। मेरे दोनों भाई गड्ढा खोद रहे थे।
मैं ये देख के डर गया और डर के वहां से भागने लगा। तब तक मेरा भाई आकर मुझे उसने पकड़ लिया और उसने कहा कि तुमने कुछ देखा? उसने कहा नहीं, मैंने कुछ नहीं देखा। बोले अगर देखा भी हो तो कहीं जिक्र मत करना, और अगर करोगे तो तुम्हारा बहुत बुरा हाल करूंगा। बोले मैं बहुत डर गया। डरने के बाद अगले दिन मुझे लोगों ने जब मेरे पिता के बारे में पूछा, जो काम वाम करने लोग आते हैं, तो उनको ये बताते हुए मैंने भाइयों और माँ को सुना कि वो घर से बिना बताए कहीं चले गए हैं। मेरे मन में और खौफ बैठ गया कि रात में जो कुछ मैंने देखा है संभवतः उसी से रिलेटेड है। ऐसा उसने अपने प्रार्थना पत्र में दिया और उसने ये भी कहा कि मैंने 3 जुलाई को भी एक प्रार्थना पत्र रजिस्टर्ड डाक से भेजा था और अभी तक उस पर कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। उसमें मैंने ये भी लिखा था कि मैं चल के ये बता सकता हूं कि मेरे पिता की हत्या के बाद उन्हें कहां गाड़ा गया है, लेकिन जब प्रार्थना पत्र की जांच के लिए थाना मुरसान पर यह प्रार्थना पत्र आया, मुझे बुलाया गया, मैंने वहां पूरी बात बताई तो मुझसे पुलिस वालों ने कहा कि गड़े मुर्दे मत उखाड़ो, 30 साल की बात हो गई है, तुम्हारे घर का मामला था, अब इसको चुप हो जाओ, जाने दो। तब इस बात का जिक्र उन्होंने, दिनेश लवानिया साहब चूंकि सामाजिक कार्यकर्ता हैं, इजिली एक्सेप्टेबल हैं, तो उनसे उन्होंने जिक्र किया। उनका चलो हम चलते हैं अगर तुम इतना कन्फर्म हो तो। फिर दिनेश लवानिया जी एसपी के पास गए, उन्होंने पूरी बात बताई। एसपी ने कहा अच्छा ठीक है, तुम ये बता सकते हो कि कहाँ पर ये तुम्हारे पिता की लाश गड़ी है? उसने कहा सब मैं चल के बता दूंगा। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, मैं इसकी जांच करा लेता हूँ, बहुत पुरानी बात हो गई, 30 साल पहले की बात है, तो मैं इसकी जांच करा लूंगा कि आखिरकार जो तुम कह रहे हो उसमें कोई सत्यता है कि नहीं है। फिर ये जांच दी गई, उस समय जो वहाँ के सर्किल ऑफिसर थे उनको सीओ सादाबाद हिमांशु माथुर, उनको मार किया निपुण अग्रवाल एसपी हाथरस ने कि इसमें जो तथ्य उल्लिखित किए गए इन तथ्यों की जांच कर लीजिए और जांच करने के बाद आवश्यक वैधानिक कार्रवाई जो भी जांच में निकलता है उसके आधार पर कार्रवाई की जाए। हिमांशु माथुर ने अवगत कराया अपने एसपी को कि साहब इसमें जो बातें लिखी हैं वो सच प्रतीत होती हैं और इसके लिए बॉडी को या उस जगह को खोदना बहुत आवश्यक है जहां पर ये बार बार ये कह रहा है कि मेरे फादर को, मेरे पिता को, मेरे पिता बुद्ध सिंह को यहीं पर दफनाया गया था। उन्होंने कहा ठीक है, मेरी तरफ से एक चिट्ठी डीएम को इस बाबत लिखवा दीजिए कि एसडीएम की ड्यूटी लगाकर उस जगह को खुदवा दें। फिर एसपी हाथरस की तरफ से एक चिट्ठी उस समय जो डीएम थे श्री आशीष कुमार उनके लिए दी गई। उन्होंने एसडीएम सदर को इस कार्य के लिए नियुक्त किया कि आप मौके पर जाएं और जहां बताया जाता है वहां खुदाई कराएं, देखें वहां पर कोई लाश तो नहीं गड़ी है। फिर सीओ सादाबाद वही हिमांशु माथुर, एसडीएम सदर और एसएचओ मुरसान, ये सभी लोग मौके पर गए 27/7 को, यानी 27 सितंबर को वहां पर गए। एक कमरा बना हुआ था, पक्का कमरा था, उसकी फर्श पक्की थी, उस पर टाइल्स लगी हुई थी, उस पर एक बिस्तर लगा था और ये बताया गया कि ये कमरा ही उर्मिला देवी का है, यानी पंजाबी सिंह की माँ का, और इस पर इसी चारपाई पे या इसी बिस्तर पर माँ उर्मिला देवी सोती हैं। पंजाबी सिंह ने कहा कि साहब इसी जहाँ ये सोती हैं, ये घेर पहले समय कुछ कमरा उमरा नहीं था, घेर का हिस्सा था, लेकिन इसी जगह पर मेरे बाप को दफनाया गया है। मजदूरों को लगा के उस गड्ढे की खुदाई शुरू कराई गई, 10 घंटे लगे 6 मजदूरों को, और फावड़े से खोदा गया और खुदाई होने के बाद
10 फीट गहरी खुदाई करने के बाद 6x6 में खुदाई शुरू की गई और 10 फीट खोदने के बाद एक नर कंकाल इंटैक्ट, मतलब जैसे आदमी को उसमें गाड़ा गया होगा, बाद में उसका फ्लेश और बाकी चीजें जब गल गई होंगी तो हड्डियों से जुड़ी हुई हड्डियां, उसका पूरा नर कंकाल वहां पर बरामद हुआ। पुलिस ने उसे एक्ज्यूम किया, डीएनए टेस्ट के लिए उसकी सैंपलिंग की और डीएनए टेस्ट के लिए उसे भेज दिया गया। तो ये बात साबित हो गई कि वो जो ये कह रहा था कि ये कैसे कैसे इन्हें मारा गया था, कहाँ गाड़ा गया था, वो अभी भी हम चल के दिखा देंगे, तो ये बात उसकी सही हो गई। उसे किस्सा पूछा गया कि भाई किस्सा क्या है, तुमको कैसे पता, तो उसने फिर वही दाएं बाएं से बताना शुरू किया कि साहब मुझे सपना आया था और फिर मेरी रात के सपने में जो मेरी धुंधली यादें थीं वो अचानक तेज हो गई और बात जाड़े की है, मैं उस समय 9 साल का था और मेरे दोनों भाई उस समय 1994 की बात है, तारीख याद नहीं है, मेरी उम्र 9 साल थी, मेरे बड़े भाई प्रदीप कुमार जिनकी उम्र लगभग 56 साल है उस समय 26 साल के थे, दूसरे बड़े भाई मुकेश उर्फ खन्ना उनकी उम्र 54 साल है और घटना के समय वो 24 वर्ष के थे, और तीसरा गांव का सबसे धनाढ्य व्यक्ति राजवीर सिंह पुत्र चरण सिंह जग्गा जिसकी वर्तमान उम्र 65 साल की है लेकिन वो घटना के समय में 35 वर्ष का था। मुझे उस रात में पिता के साथ सोया करता था, मुझे दूसरे घर में मेरे भाई के साथ भेज दिया गया और उसके बाद गला दबाकर मेरे पिता की हत्या कर दी। मुझे भेजा गया अपने बड़े भाई, एक और बड़े भाई थे बस्ती राम जो घर के दूसरे हिस्से में रहते थे, उनके साथ सोने के लिए कहा गया। नई जगह मैं सो रहा था, मुझे नींद नहीं आ रही थी और मुझे पिता के पास जाने की जल्दी थी, मैं सो के उठा, सोते सोते उठा, सोया नहीं था, सोते सोते उठा और फिर घेर की तरफ से जब अपने घर की तरफ जाने लगा वहाँ का मंजर देख के मैं बिल्कुल हिल गया। मैंने भागने की कोशिश की, मेरे भाई मुकेश उर्फ खन्ना ने मुझे पकड़ लिया और धमका कर चुप करा दिया, बोले कि किसी को कुछ बताओगे तो ठीक नहीं होगा। माँ ने भी मुझे धमकाया कि किसी को कुछ भी बताओगे तो ठीक नहीं होगा और ये भी बताया कि कल से अगर कोई पूछता है तो ये बता देना कि पिताजी बिना बताए कहीं चले गए हैं। फिर मेरी माँ तीसरे दिन मुझे लेकर अपने मायके बछगांव थाना मुगर्रा जनपद मथुरा आ गई और मुझे रोज यही सुबह शाम समझाती रही कि किसी को कुछ बताना नहीं, लेकिन ये बात मेरे मामा को किसी तरह से पता लग गई। मामा से मामा का नाम था छिद्दी उर्फ पूरन। मामा को जब ये पता लगा कि इन लोगों ने उसे मार दिया है और कहीं फेंक दिया है, मामा बहुत नाराज हुए और माँ से बहुत झगड़ा किया और अगले दिन ही वो गांव गिलौतपुर आए। वहाँ पर मेरे दोनों भाइयों प्रदीप कुमार और मुकेश को उन्होंने खूब बताया समझाया कि ये नहीं करना चाहिए था और फिर ये कहा कि चलो ठीक है अगर तो जो बोलो एक साथ एक ही बात बोलो, उर्मिला भी वही कहे, तुम दोनों भी वही कहो। और फिर ये हुआ कि छोटे वाले से कोई मतलब नहीं है, उसने कुछ देखा भी नहीं है लेकिन फिर भी उसको भी यही बोलना चाहिए कि वो बिना बताए कहीं चले गए हैं। इस घटना के एक हफ्ते बाद ही इनका जो सबसे बड़ा भाई बस्ती राम था उसे भी सवेरे किसी तरह से ये पता लग गया कि मेरे दो छोटे भाइयों और माँ ने मिलकर राजवीर के कहने पे मेरे पिता को मार दिया है और कहीं गाड़ दिया है। वो इतना घबरा गया कि वो एक हफ्ते के भीतर ही घर छोड़कर चला गया। वहाँ से वो दिल्ली चंडीगढ़ और बहुत जगह गया और होटलों में उसने बर्तन वर्तन साफ करके अपना जीव को अपना जीवन यापन करता रहा और इस समय वो गोवा में टेंट का व्यवसाय कर रहा है।
उसको भी बुलाया गया, उससे भी फिर पूछा गया। पुलिस ने जब पूछताछ की तो बोले साहब कुछ तो गड़बड़ थी, मुझे पूरी बात नहीं पता, मैं अपने कमरे में सो रहा था। मेरी माँ ने उस दिन पंजाबी को मेरे साथ सोने के लिए कहा, ले रात में ये उठा, फिर उसके बाद पूरी रात सोया नहीं, कुछ बड़बड़ाता रहा। मुझे हल्की हल्की ये बात समझ में आई कि रात में मेरी माँ ने और राजवीर ने मिलके, चूंकि राजवीर बहुत बड़ा आदमी था, उसके खिलाफ कोई कुछ कह नहीं सकता था पूरे गांव में, इसलिए मैं डर गया और डर के वहां से भाग आया। फिर दोबारा कभी लौट के घर अपने गांव नहीं गया। पुलिस ने पूछा कि तुम्हें कैसे पता लगा पंजाबी सिंह से, तो फिर वही उसने कि साहब हमें ऐसे पता लगा, वैसे पता लगा, सपना आया और मेरी हल्के हल्के मेरे वो था, समय के साथ मैं सब कुछ भूल गया था, लेकिन जब भाइयों ने कल लड़ाई के समय हमको धमकाया तो मेरी वो याददाश्त पुरानी वाली हल्की हल्की लौट आई, तब मुझे ये पता लगा कि कहाँ पे दफनाया गया था और कौन सी जगह मैंने देखी थी। तब मैं बार बार अपने पिता को उनकी आत्मा को शांत, उनकी आत्मा को शांति देने के लिए मैं कोशिश करता रहा कि किसी तरह उनकी डेड बॉडी मिल जाए तो हम उनका क्रियाकर्म करके उनकी आत्मा को शांति पहुंचा दें। पुलिस ने डीएनए सैंपल्स ले लिए हैं, डीएनए को जांच के लिए भेज दिया गया है, लेकिन जो पारिस्थितिक जन्य साक्ष्य मिल रहे हैं लोगों से बातचीत करने में और आसपास के गांव पड़ोस के लोगों से बात करने में, उससे यही लग रहा है कि इसकी हत्या हुई थी और जो कंकाल मिला है वो बुद्ध सिंह का ही है। उम्मीद यही है, जो प्राइमर फेसी टेस्ट होते हैं, जो किट से टेस्ट होते हैं, उससे तो डीएनए मैच हुआ है, लेकिन किट से हुए टेस्ट को टेस्ट रिपोर्ट के फॉर्म में नहीं जनरेट किया जा सकता, लिहाजा उसको FSL भेज दिया गया है और जल्दी ही उसकी रिपोर्ट आ जाएगी, ऐसा सबका विश्वास है। फिर उसके बाद जब दोनों भाइयों को पकड़ा गया तो पहले वो ना नुकर करते रहे, फिर धीरे धीरे लाइन पर आए और यही कहते रहे, साहब 30 साल पुरानी बात हो गई, उतना याद नहीं है, इस तरह की बात है। लेकिन गांव में ये बात, ये चर्चा आम थी कि इनकी माँ उर्मिला देवी और राजवीर के संबंध थे। संबंध यहाँ तक थे कि बुद्ध सिंह के मरने के बाद बहुत दिनों तक उर्मिला राजवीर के घर पे रही। वहां जब राजवीर की पत्नी और उर्मिला में बहुत झगड़ा हुआ तब उर्मिला भाग के अपने घर आई थी। बहरहाल डीएनए रिपोर्ट की का वेट किया जा रहा है कि डीएनए रिपोर्ट आ जाए, उसके बाद फिर इन लोगों के विरुद्ध जो भी वैधानिक कार्रवाई हो वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। आज की घटना, 30 साल पहले पत्नी ने अपनी प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर, मतलब हमने आपको जो साल भर के भीतर की तमाम अपराध की कहानियां इस तरह की बताई हैं, ऐसा 30 साल पहले भी हुआ था या होता रहा होगा, तब भी जब कम्युनिकेशन के कोई साधन नहीं थे, मोबाइल नहीं था, टीवी नहीं था, कुछ भी नहीं था, पढ़े लिखे लोग अखबार भी नहीं पाते थे कि दूर दराज के किस्से कहानियां सुन के कुछ उससे उनको सीखने को मिले, लेकिन तब भी ये हुआ करता था। जब बॉडी का डिस्पोजल प्रॉपरली मारने के बाद जब प्रेमी ने और माँ ने मिलके उसे सोते समय मुंह में कपड़ा ठूंस के गला दबा के मार दिया, उसके बाद कोशिश की उसको डिस्पोज ऑफ करने की, डिस्पोज ऑफ नहीं हुए, तब अपने दोनों बेटों से, एक की उम्र उस समय 20-22 साल रही होगी, दूसरे की 23-24 साल, दोनों को बुलवाया और दोनों से वो गड्ढा खुदवाया, 10 फीट गहरा गड्ढा, और तब उसमें उसको दफनाया, दफना के ऊपर मिट्टी चढ़ाई। तो बड़ा नेचुरल है, लड़के बालिग थे, उन्हें भी अंदाज लग गया कि क्या हुआ है उसके बाप के साथ, काहे बगाहे वो जिक्र करते अपनी माँ से कि आखिरकार ऐसा क्यों किया, तो माँ यही कहती थी कि कहीं और पता लग गया तो मैं तो जेल जाऊंगी, तैयार हूं जेल जाने के लिए, तुम दोनों भी जेल जाओगे। वो दोनों डर गए, उन्होंने भविष्य में किसी से कभी कुछ कहा नहीं और चुप हो गए। इस बीच यानी अभी से कोई 2-3 महीने पहले दोनों भाइयों में प्रॉपर्टी का विवाद हुआ, बड़ा गंभीर विवाद हुआ, मारपीट हुई,
उसी में एक भाई ने, एक भाई का पक्ष संभवतः राजवीर, एक भाई अपना अपनी माँ के फेवर में ज्यादा रहता था, वो माँ के फेवर में रहता था तो वो मदद के लिए राजवीर के पास माँ जाती थी तो राजवीर उसकी थोड़ी बहुत मदद किया करता था। दूसरे भाई ने उसी गुस्से में, जब दोनों तरफ से गुस्से में हीटेड आर्गुमेंट्स हो रहे हों और बातचीत हो रही हो, उसी में एक ने कह दिया कि मुझे पता है तुम राजवीर के दम पर कूद रहे हो और जिस दिन पोल खोल दूंगा राजवीर जेल चला जाएगा, भूल जाएगा कि वो तुम्हारी मदद क्यों कर रहा है या कैसे कर रहा है। लड़ाई झगड़े के बीच में कही गई ये बात कि राजवीर जब पोल खुलेगी तो राजवीर जेल चले जाएंगे, राजवीर तक कम्युनिकेट हो गई। राजवीर ने फौरन उर्मिला को अपने घर बुलाया, घर नहीं बुलाया क्योंकि घर में एंट्री बैन थी, राजवीर की पत्नी उसे आने नहीं देती थी, बाहर कहीं बुलाकर उससे बात की कि मैंने सुना है क्या दोनों में इस तरह की बात हुई। उसने कहा कि नहीं मुझे नहीं पता है। बोले अगर हमारी तक बात आई है तो बात हुई है, अपने दोनों लड़कों से कह देना कि अगर ये बात कहीं लीक हुई, ये बात कहीं और की गई तो मुझसे बुरा कोई होगा नहीं। ऐसा उसने राजवीर ने उर्मिला से कह दिया कि ये बहुत ही खराब बात है और अगर ये बात लीक हुई इतनी पुरानी बात तो तुम समझ ही रही हो मेरा भी नुकसान होगा और मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, जाओगी तुम भी जेल। बहरहाल कहने का मतलब ये कि उसको धमका दिया। बात खत्म हो गई, बात अलग थलग हो गई, लेकिन दो भाइयों के बीच के झगड़े की ये बात, माँ की राजवीर से हुई ये बात, राजवीर का माँ को धमकाना, दोनों भाई शादीशुदा थे, कहीं ना कहीं से ये बात पंजाबी सिंह तक पहुंच गई कि कुछ तो बात है जो हमसे छिपाई जा रही है और कुछ तो बात है जो हुई है और बाप के संबंध में हुई है। तो उसने एक काम किया कि वो अपनी माँ के पास गया और उसने कहा कि माँ तुम यहाँ बहुत तकलीफ में हो, अब से तुम मेरे साथ रहोगी, मैं तुम्हें अपने, उसका घर उसने अलग बनवा लिया था, भाइयों से पटती नहीं थी तो सब चीज़ें अलग कर ली, वो अलग रहता था, इनों से कोई मतलब नहीं रखता था। माँ को अपने घर ले गया और अपनी पत्नी को समझाया कि इसकी खूब सेवा करो और बात बात में इससे पूछो कि बात क्या है, कहाँ ये बात हवा में तैर रही है और दोनों भाई आपस में लड़ाई झगड़े में क्या कह रहे हैं और राजवीर ने क्यों माँ को बुलाया, कौन सी बात हुई, धीरे धीरे करके ये बात शुरू करो। पंजाबी सिंह की पत्नी ने अपनी सास की खूब सेवा की और जब घर में कोई नहीं होता था तो धीरे 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 करके बातें पूछने शुरू कर दी और पहले तो वो कुछ बताने से इनकार करती रही, लेकिन जब थोड़े थोड़ी बातें कि नहीं आपको राजवीर ने बुलाया था, कुछ धमकाया है कि सब लोग जेल जाएंगे, बात तो कुछ होगी। और जितनी बात वो करती थी वो छिपा कर रखे गए मोबाइल फोन पर वीडियो रिकॉर्डिंग कर लेती थी और अपने पति यानी पंजाबी सिंह को बता दिया करती थी। और फिर एक दिन पूरी बात उसकी सास ने यानी उर्मिला देवी ने बता दी कि ऐसे ऐसे हुआ था, इस तरह से उसको गला घोट के हमने और राजवीर ने मार दिया था, फिर हम उसको डिस्पोज ऑफ नहीं कर पा रहे थे, फिर दोनों लड़कों को बताया, फिर उनसे गड्ढा खुदवाया और गड्ढा खुदवा के तो इसने पूछा अम्मा वो गड्ढा कहाँ कैसे खुदा, तो बोले नहीं उसी के ऊपर मैंने कमरा बनवा दिया कि कल को कभी कोई खुदाई हो, कल को कोई वहाँ पर नींव खोदने लगे और फिर उसकी हड्डी मिल जाए और फिर लोगों को शक हो तो सब चीज़ें दरकिनार हो जाएं। दोनों से कह के मैंने वहाँ बढ़िया सा एक कमरा बनवा दिया, कमरे की फर्श में टाइल लगवा दी, नीचे पूरा पक्का करा दिया और मैं उसी कमरे में उसी टाइल के ऊपर सोती हूँ। यह बात पूरी जब आ गई और वीडियो रिकॉर्ड हो गई तो इस वीडियो रिकॉर्डिंग को जब पंजाबी सिंह को सुनाया उसकी पत्नी ने, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई कि मेरी माँ ने ही राजवीर के साथ मिलकर मेरे पिता की हत्या कर दी थी। अब सवाल यह है कि इस बात को पुलिस को कैसे बताया जाए। उसका भी इंटरेस्ट था कि दोनों भाई उसके दबंग थे, एक की क्रिमिनल हिस्ट्री भी थी कुछ मारपीट की, कि अगर हम सुनी सुनाई बात पुलिस को बताएंगे तो ये दोनों दबंग हैं या तो मुझे मार डालेंगे और पुलिस कोई कार्रवाई वैसे भी नहीं करेगी।
तो उसने उसको इस तरह से प्रेजेंट किया कि मुझे याद है या मुझे सपने में ये पता लगा, मुझे मुझे ध्यान आ रहा है कि जब मैं 9 साल का था तो इस तरह की बात हुई थी। और फिर उसको वेरीफाई करने के लिए वो झगड़े वाली बात लिखी कि दोनों भाइयों ने मुझे मारा पीटा, और फिर ये कहा कि जहां अपने पिता को पहुंचाया था वहीं पहुंचा दूंगा। दोनों बातें कोरिलेट करके उस प्रार्थना पत्र में लिखी गई। दिनेश लवानिया जी को उसने बताया। दिनेश ने पूछा कि भाई इतनी पुरानी बात हो गई और तुम लिख रहे हो कि तुम्हें उस समय की याद है बात, तुमने पहले क्यों नहीं बताया, तुम्हें पहले बताना चाहिए था। तब उसने बताया कि साहब देखिए ये बातें अभी ही मुझको भी पता लगी। और फिर वो पूरी वीडियो जो उसकी पत्नी ने अपनी सास से बातचीत करके रिकॉर्ड की थी वो दिनेश को सुनाई। दिनेश ने कहा नहीं, अब तो तुम्हें न्याय मिलना चाहिए, तुम्हारे पिता को बल्कि न्याय मिलना चाहिए और इन लोगों ने बहुत गलत किया है। तब वो उस एप्लीकेशन को लेके एसपी के यहाँ गए और जब उसने ये बात लिखी कि नहीं साहब मुझे ये कहा कि तुम्हारे बाप मतलब जहाँ बाप पहुँचे वहीं तुमको पहुँचा दूंगा और मुझे याद आ रहा है कि फलां जगह, तो उसकी माँ ने वो जगह भी बता दी थी, वो कमरा भी बता दिया था, वो फर्श भी बता दी थी, वो टाइल्स भी बता दिया था, राजवीर का भी बता दिया था, दोनों बच्चों का भी बता दिया था और ये भी बता दिया था कि 10 फीट का गड्ढा खोदा गया था। गड्ढा खोदने में दोनों लड़कों को 4 घंटे 5 घंटे लगे थे, बड़ी मुश्किल से भोर होने के पहले, जाड़े की चूंकि रात थी इसलिए देर में सवेरा होना था, कोहरा भी था, तो उसको सवेरे तक उसे खोद के तब उसमें उसको गाड़ा गया था। एसपी ऐसा नहीं कि वो पहली बार किसी पुलिस अधिकारी के यहाँ गया था, जब कभी भी आपस में भाइयों में झगड़ा होता था तो ये कहते थे साहब बाप मेरा गायब हो गया है, उसकी उसका आज तक पता नहीं लगा और उसका पता लगाया जाए, तो लोग ये समझा देते थे भाई भाई भी तो तुम्हारा गायब है, उसका कहाँ पता लगा, भाई के बारे में क्यों नहीं पता करते हो, पहले बाप के बारे में ही पता करने के बाद। तो भाई के बारे में थोड़ा बहुत चंडीगढ़ से इसको पता लगा था कि कहीं किसी होटल में वो बर्तन बर्तन धोने का काम, वो डर के भाग गया था, दोबारा कभी लौटा नहीं, जो आज की तारीख में गोवा में टेंट हाउस का काम कर रहा है। तो उसकी बात का अधिकारियों ने यकीन किया, संज्ञान लिया, खुदाई कराई, कंकाल मिल गया। कहने का मतलब यह कि अगर भाइयों में आपस में झगड़ा न हुआ होता और एक भाई राजवीर का नाम उसने न लिया होता तो ये राज कभी न खुलता, कभी न खुलता। अगले जाने कितने सालों तक ये राज ही रहता, फिर सब 50, 55, 60 साल के हो गए हैं, 10-20 साल और जीते, उसके बाद फिर ये राज ही रह जाता। और खुद अपराध किया था उसने और वो राजवीर को फंसाने के चक्कर में था कि तुम राजवीर के दम पे कूद रहे हो, पोल खोल दूंगा, राजवीर जेल चले जाएंगे, जबकि वो खुद भी गड्ढा खोदने और उसको दबाने इन सब में वो शामिल था। इसीलिए कहा गया है कि जिनके घर शीशे के हों वो दूसरों के घर पर पत्थर नहीं मारते। इसी तरह की सिचुएशन के लिए ये बहुत ही फेमस सेइंग है कि जब आपके घर आपका घर शीशे का हो तो दूसरों के घर पे पत्थर नहीं मारा करते, उसे नहीं फेंकना चाहिए। तो ये जो किस्सा पति पत्नी वो किसी एक का मर्डर, ये आज का नहीं है। आज के दौर में तो बड़ा आसान है, मारा, यहाँ डिस्पोज ऑफ कर दिया, वहाँ डिस्पोज ऑफ कर दिया, फ्रिज में रख दिया और फलाने में कर दिया, ठिकाने में कर दिया। लेकिन उस जमाने में भी ये इस तरह के क्राइम हुआ करते थे और फ्रीक्वेंटली हुआ करते थे। थोड़ा उसका जो तरीका था वो क्रूड था। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।